यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बख्तरबंद गाड़ी पर मिसाइल गिरती दिखी। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें मैदान में एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी नजर आई, वहीं हवा को चीरती एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। बताया गया कि ये मिसाइल यूक्रेन ने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर 4 किलोमीटर दूर से दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल जैसे ही सटीक निशाने पर गिरी, धमाके के साथ तेज रोशनी निकली। विस्फोट इतना जोरदार था कि बख्तरबंद गाड़ी के परखचे उड़ गए। वहीं जिस मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन की सेना ने हमले का दावा किया, उससे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को चंद सेकंड में ध्वस्त किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए 5 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को भी तबाह किया जा सकता है। वहीं रूस से जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने नौसेना दिवस पर एक वीडियो जारी किया और अपने नौसैनिकों की बहादुरी दिखाई, जिसमें समुद्र की उठती लहरों के बीच यूक्रेन की फौज दुश्मन का डटकर सामना करती नजर आई। ज़ेलेंस्की के जवानों की एक टुकड़ी भारी भरकम हथियारों के साथ समुद्र में जाती दिखी, तो दूसरी टुकड़ी किनारे पर कंधे पर मिसाइल लादे नजर आई। यही नहीं, कुछ जवानों ने समुद्री गाड़ियों से अभ्यास भी किया। इसके बाद उन सैनिकों ने समंदर तट पर यूक्रेन का झंडा लगाकर सलामी दी।